हम यूज करने जा रहे हैं बटन्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जी सर, डाला, मान लो सिटी डाल दिया, और यहाँ पे मैं मंथ डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया दिल्ली, जी सर, नोएडा, जयपुर, इंदौर। इस तरह काफी सारे हमारे मंथ मंथ है, सिटी है यहाँ जी पे, जी पुणे, पटना, कानपुर, और उनके यहाँ पे मान लो कि सेल्स के फिगर है। इस तरह के आपके पास 1500 का रिकॉर्ड है। जी, अब आपको क्या है कि इसको वन बाय वन चार्ट में देखना होता है। तो कैसे करोगे? अगर आप इसको सिलेक्ट करके चार्ट इंसर्ट कर देते हो, इंसर्ट चार्ट, तो इसमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है जी, कि कौन सा किसका क्या है। क्या सर? जी सर, कि अंडरस्टैंड करना जी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप जी चाहते हो कि अब मुझे इससे मतलब नहीं कि दिल्ली और नोएडा में क्या सेल है, इससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि भाई दिल्ली के अंदर सारे मंथों में क्या सेल है। मैं इस, मुझे इस सिटी के मंथ पर एनालाइज करना है, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे अब इसको क्या होगा कि जी अलग जी अलग सबके लिए रिपोर्ट बनाने, चार्ट बनाने पड़ेंगे। जी तो उसके लिए हम एक एक चीज कर सकते हैं। हम इसको यहां से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहां पे नॉर्मली मैं वन लिख देता हूं, यहां पे वन लगाता हूं ऑफसेट का, जी और कॉमा वन कॉमा जीरो। ऑफसेट जो आपने लगाया, ये आपने A1 और क्या लिए? जी जस्ट लाइक जैसे आपने कल, मैंने आपको बताया था ना वीवी माइक्रो, इसका वीवी में जो ऑफसेट लगा बताया था, जी सेम उसी तरीके से यानी चलता ऑफसेट है। में आपने क्या क्या सिलेक्ट किया था, मैं बता A1 रहा हूं, और? मैं बता रहा हूं। जी, इससे पहले हम ऑफसेट के सिंटैक्स को पढ़िए। होता है रेफरेंस, कि डेटा आपका स्टार्ट कहां से है। जी ए वन से स्टार्ट है, ए जी वन से कितना रो नीचे आना है आपको, मतलब कि एक रो। जी 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 ऑफसेट ठीक जीरो से है चलता है, जीरो वन। जी, उसके बाद मैंने बोला कि कॉलन कौन सा है, कि सेम कॉलन है, कोई कॉलन बढ़ना नहीं है। जीरो मतलब कि सेम कॉलन है, यहीं पे रहेगा। तो ये क्या जी करेगा ठीक कि है यहां से जीरो कॉलन और एक रो नीचे उतरेगा, उसकी वैल्यू यहां पे रिप्रेजेंट कर देगा। जी, अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूं F4 लगा के, डॉलर लगा दिया, ताकि जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो A11 B11 C11 नहीं बनेगा। तो इससे क्या हुआ कि दिल्ली का पूरा डेटा उठ के आ गया। ठीक है जब ठीक मैं है, यहां पे टू टाइप करूंगा तो यहां पे टू का आ जाएगा, ओ गुड, वेरी गुड, थ्री वाह वाह करूंगा वाह, बहुत थ्री का आ बढ़िया, जाएगा। वेरी गुड, सर ठीक आगे है। भी देखिए, आगे भी बहुत सारे गुड देने पड़ेंगे आपको। अरे सर क्या बात है, मजा आ गया, तो दिल खुश कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि अब मैं चार्ट से कन्वर्ट कर दिया। मैं यहां पे वन लिखूंगा, दिल्ली आ गया, टू नोएडा, थ्री जयपुर। हाँ जी अब इसमें दिक्कत हुआ कि बार बार मुझे जी वन टू थ्री ठीक, टाइप करने पड़ रहे हैं। अब ये मुझे देखना पड़ेगा भाई, कानपुर देखना है तो मैं यहां से काउंट करने पड़ेगा कानपुर कितना है। हाँ जी तो इसके लिए हम कॉम्बो बॉक्स यूज करेंगे। हम जाएंगे डेवलपर बार में, कॉम्बो बॉक्स, जी, याद रखिएगा ऊपर वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा, नीचे वाले में आपको कोडिंग मैनुअल करनी पड़ेगी। इसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये यहां से असाइन हो सकता है। जी सेलेक्ट कर लिया हमने, जी उसके बाद इसके राइट क्लिक करेंगे और इस पे जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल पे, सबसे जी लास्ट सर ऑप्शन। जी, इनपुट रेंज के अंदर में आप दे दो ये पूरा रेंज। सेल लिंक जी में सर, आपने तीन दे दो, थ्री डी कर दोगे जी तो थ्री सर, डी जैसा दिखेगा थोड़ा सा। अब जैसे ठीक मैंने है यहां पे दिल्ली सिलेक्ट किया, तो एक कॉम्बो बॉक्स क्या जी, करेगा कि दिल्ली का जो सीरियल नंबर है वो यहां पे प्रिंट कर देगा। जी सर, जी सर, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेट कंट्रोल में यहां पे बोल रखा है कि ए और सेल लिंक है। जी, अब मैं यहां पे
जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट किया आपका नोएडा, तो नोएडा का सिलेबस 2 है, 2 यहां पे सिलेक्ट कर दिया, टाइप कर दिया कॉमो बॉक्स ने। जी, जैसे 2 यहां टाइप हुआ, यहां पे डेटा चेंज हो गया। जी जी बिल्कुल, डेटा चेंज हुआ, हमारा चार्ट चेंज हो गया। जी जी चार्ट भी चेंज हो गया। अब मुझे दो सिटी के आपस में कंपेयर करने होते हैं, तो मैं यहां पे एक और कॉम्बो बॉक्स ले रहा हूं और इसको यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब इसके फार्मर कंट्रोल में जाता हूं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और सेल लिंक में इसी के बगल में दे देता हूं। अब यहां पे कंडीशन देता हूं, यहां पे सेम ऑफसेट की फॉर्मूला को पेस्ट करता हूं, बट यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। चार्ट सेलेक्ट करके चार्ट को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूं। अब मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा दिल्ली, तो यहां देखिए दिल्ली या पुणे का कंपेयरिंग आपको आ गया, दोनों का आ गया। ठीक है जी जी अब इसको चाहो तो आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, एक को लाइन एक के कॉलम, इसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे राइट क्लिक किया और बोला चेंज थ्री चार्ट टाइप पे गया और मैं यहां से लाइन सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है जी जी अब प्रॉब्लम ये आता है कि मैं चाहता हूं, मैं जब चाहूं तभी ये लाइन आए, नहीं तो नहीं लाए। नहीं जी, उस केस में चेक बॉक्स को लिया और चेक बॉक्स यहां पे डिजाइन कर लिया और यहां पे लिख दिया वीएस वीएस। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो आप। अच्छा, सेल लिंक मैं यहां पे ले लिया और इसको मैंने कर दिया 3D शेडिंग। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहां पे ट्रू बनेगा, नहीं तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर यहां पे जो नीचे वाला जो हमारे हमने जो सेकेंडरी हमारा जो ए है उस पर मैं कमांड लगाया हुआ है कि इफ अगर ये ट्रू हो तभी ऑफसेट को रिप्रेजेंट करो वरना ब्लैंक कर दो। ब्लैंक हो गया। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओ सॉरी, हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, देखिए फ्रीज करना था हमें इसको। ठीक है जी जी ठीक है। अच्छा अच्छा इसको ठीक जी जी यहां से तो और ऊपर वाला खत्म करना हो तो क्या, ऊपर वाला इंदौर इंदौर है जैसे हमने अभी आपने किया ना सर, एक तो बेस आपको होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा एक बेस होना चाहिए। अब ब्लैंक यहां पे थोड़ी आएगा जी जी, ठीक है। करना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे शो कर दो, यहाँ पे एक और चेकबॉक्स लगा दो शो का। जी जी ठीक है समझ गया, शो समझ गया। मैं करके दिखा देता हूँ और मैंने यहाँ पे कर्सर दे दिया, 3D सेटिंग कर दिया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, सेम फॉर्मूला जो मैं यहाँ लगाया है ना जी, ये फॉर्मूला मैं ऊपर लगा दूंगा इफ यहां पे इसको अगर ये ट्रू है तभी ऑफसेट आए ना तो ब्लैंक है। अब मैं इस पे शो पे क्लिक करूंगा तभी शो इंदौर होगा, बना नहीं होगा, बना नहीं होगा। ठीक है जी सर, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल ओके। अच्छा सर, आप मूवी देखते हो? हाँ जी। आपने एवेंजर्स मूवी देखी है? नहीं नहीं मैं ज्यादा मूवी नहीं देखता, आज से कुछ 25-30 साल पहले देखी है, देखी है घर में टीवी, बच्चे देख लिए तो ठीक है यहाँ तक ही। चलिए मैं आपको एवेंजर मूवी का एक छोटा सा ही दिखाता हूँ। आपके चार मालों की मेटल एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना,
जैसे कि आप चार मेटल क्राइटेरिया है आपका, आपका बेसिकली बिजनेस इससे है ना, आपका फैब्री फैक्ट्री है जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉनिक होता है। हाँ तो इलेक्ट्रो आप, प्लेटिंग प्लेटिंग हाँ उसमें कुछ आपका ये ऐसा होता होगा कि कुछ मटेरियल को आप उसे मिला के कुछ बनाते होंगे आप। हाँ, वो भी है। तो आप कैसे, आप लोग कैसे बोलते हो कि भैया एक काम करो, अगर इसका 20 इसमें डालो और 30 इसका डालो, 40 इसका डालो, तो 50 इसका डालो, तो इसका कुछ और जी मटेरियल बन के आएगा। जी सर, समझ गया मैं। हाँ जी तो उसके तरह से आपको एक बार सोचना पड़ता है ना। अब उसको थोड़ा सा ग्राफिकली मैं बताता हूँ कैसे होगा। जी जी हाँ मैं यहां पे, हमारे पास स्क्रॉल बटन होता है, ये कौन सा, दोबारा दिखाएंगे एक बार इसी में सबसे ये स्क्रॉल होता है बटन, दोबारा स्क्रॉल। दिखाएंगे। हाँ समझ गया, ठीक है जी, ओके। हाँ अब इसी स्क्रॉल को मैं चार ले लेता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस दे देता हूं। ये डिस्टेंस आपने कैसे दिया है बीच में? ए, हम इसको उठा के पैलेस कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, समझ गया। एक सेकंड बोल कीजिए। तो इसको अपने हिसाब से हमने फिट कर लिया। जी, मान लो कि यहां पे मैंने दे दिया ग्रुप ए, और इसको अच्छे तरीके से मान लो कि बोल्ड कर देता हूं, और फिर इसको कलर वलर कर दो तो अच्छा लगे। वो तो कलरिंग वगैरह तो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से बनाओगे। मैं इसको एरो की से रख रहा हूं, जी, G2 बोल्ड, और इसको कोई और कलर देता हूं। ये आपने जो G1 G2 लिख रहे हो, ये कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी? हाँ कुछ भी ले सकते हो। जी सर, ठीक है। उसके बाद जी मैं सर, इस पे करता हूं। अब इसमें आपकी मिनिमम क्या है, मेरा कि मेरा मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितना है, तो 100 है। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप 30,000 तक की लिमिट है, 30 से अच्छा जी, 35,000 तक की लिमिट है। इंक्रीमेंट पर क्लिक पे एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। और कितना वाला, 10 का वाला दिखना चाहिए। और सेल लिंक मैंने यहां पे इसको रख, इसको सिलेक्ट मैं कर आपकी लिया। बात समझा नहीं। एक मिनट, एक मिनट, मैं, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ आपकी। ये जो आपने फॉर्मेट सेल निकाला है हाँ बोल, ये किस लिए निकाला है? बेसिकली अभी क्या ये है कि आपने जो अभी फॉर्मेट निकाला, स्कोर बताता हूँ आपको, स्कोर बार बन के आया, तो अभी आप इसको घुमा सकते हो इस तरह से ना। तो एक जब ये इस तरह से हाँ जी स्क्रॉल जी होगा जी जी तो कहीं पे वैल्यू इफेक्ट करेगा ठीक ना, ठीक ठीक करेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका देना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने इस पे दिया तो कि भाई इसमें आपने हाँ, जब फॉर्मेट मैंने एक खोला, मिनट, जो मैंने ये आपने इस जगह क्लिक करा था, हाँ मैंने पहले यहां इस पे पे, क्लिक किया था हाँ आपने? हाँ इस पे पहले राइट क्लिक किया, मैं जी सर इस पे राइट क्लिक किया तो मेरे पास जी, एक ऑप्शन खुल के आया। हाँ जी, इसके फॉर्मेट कंट्रोल पे मैं गया, हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले देता है मिनिमम वैल्यू, मतलब कि सबसे नीचे कितना आएगा, तो मेरा कि 1 आएगा। जी सर, मैक्सिमम वैल्यू जब ये जी लास्ट में आ जाएगा तो कितना आएगा, तो बोला कि 100 आएगा। जी
और एक बार माउस से क्लिक करने पे कितना इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने बोला कि 1 इंक्रीमेंट होगा जी। और उसके बाद मैंने बोला यहां पे कि इफेक्ट कहां पे शो करेगा, तो यहां पे D2 पे शो करेगा। ऐसी बाकियों का भी कर लेता हूं, इस पर राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम 1, मैक्सिमम 100 और सेलनिक मैंने इसको दे दिया। फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम 1, मैक्सिमम 100 बाय डिफॉल्ट होता है, आपको चेंज भी कर सकते अपने हिसाब से, इसको रख दिया जी जी। फिर राइट क्लिक, इसके अंदर पॉइंट वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे 1.2, 1.3। सर मैंने कभी लगाया नहीं, एक बार देखता हूं। लगा सकते हो सर? नहीं, एक ठीक है, समझ गए, लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना, ठीक है, हाँ लगा सकते हैं जी सर, ठीक है, ओके ओके। और इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, और इसके पीछे इसके साइड में मैंने ये ऊपर कर दिया, इधर आ गया यहां पे क्लिक करने से। और इसका कलर क्या है, ये आपका ग्रीन, फॉर्मेटिंग सेव अप्लाई कर देता हूं मैं, ताकि सेम कलर दिखेगा ना। नहीं नहीं, हाँ तभी पता लगेगा, रेड हो गया, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मान लीजिए जो भी कैलकुलेशन करनी, मुझे जो भी आपकी कैलकुलेशन है, मैंने मान लो यहाँ पे एवरेज है, तो मैंने यहाँ पे एवरेज की कैलकुलेशन कर ली, कॉमा कॉमा करके चारों सिलेक्ट कर लिया, और एवरेज आया, उसको सेंटर करता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ। और कुछ इसमें और देना चाहते हो अपने हिसाब से दे सकते हो जी। जी ठीक है। अब इसमें अब मैं इसको सिलेक्ट करके अब देखिए, गुड गुड गुड, मैंने ये पता है एवेंजर मूवी देखी थी ना, उससे सीखा था कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, एक्सेल में अच्छा लगेगा, बहुत प्यारी चीज है ये, तो बिल्कुल लेटेस्ट आइटम है ये। एक्चुअली ऐसा है, हमारा ना गोल्ड का भी काम था पहले, आज से 20-25 साल पहले, तो गोल्ड गोल्ड के अंदर जो जेन्युइन ऑर्नामेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे हम, उस गोल्ड को बनाने के लिए 22 कैरेट उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ता था, कॉपर सिल्वर, ठीक है जी। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, हेलो। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट पूछा है कि अगर किसी को मैं अपना हमारे बनाए हम से 1 ग्राम 10 ग्राम गोल्ड है, उसमें हमने ऐड करना है 1 ग्राम 800 मिलीग्राम सिल्वर, कॉपर 200 मिलीग्राम आपका कॉपर हो गया, उसके लिए 22 कैरेट का बन जाता है गोल्ड, 23 कैरेट का, तो ये उसके लिए बड़ा सही चीज है। हाँ तो उसके लिए होगा ना कि आप यहाँ पे लाइव आपको प्यू दिखेगा, भाई आपको एक कर लो, कम कर लो, फीस को ज्यादा कर लो, ग्राफिकली यूज हो रहा है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे फिगर अभी जरूरी नहीं कि एवरेज हो, जैसे आप प्राइजेस के लेके देख लो कि मान लो कि आपके पास अलग अलग मेटल्स है, तो कितना परसेंट कौन सा मेटल डालोगे तो उससे कितना इफेक्ट आएगा, कितना कॉस्ट आपका जाएगा, क्या फर्क, ठीक है ना। तो आप जैसे 70 आ गया, 70 आ गया, तो बोला कि यार 70 ज्यादा कम कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट है, तो आप अच्छा इसको एक कम करता हूँ तो कितना आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं है, दो कम करने पे 69 आता है, तो इस तरह से इसका इफेक्ट फास्ट काम करेगा, और सामने नजर के सामने होगा, जो छोटा है तो ऐसे बड़ा में बना होगी आपको, तो और अच्छे तरीके से दिखेगा, और अच्छे तरीके से, तो बहुत प्यारा बना हुआ है, इतना ही बहुत है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो, लेकिन पहले मैं इसका कुछ और यूज करता था, एक ऐसा एग्जाम्पल में कुछ और दिखाता था, पता क्या एग्जाम्पल दिखाता था कि मान लीजिए मेरे पास नेम है, इसमें प्रोडक्ट है और सेल है, जी
तो बेसिकली हम लोग इसको डैशबोर्ड पे यूज करके दिखाते थे। तो अब क्वेश्चन ये उठता था कि मुझे डैशबोर्ड में बहुत कम जगह दी गई है, डैशबोर्ड में बहुत कम जगह बचा हुआ है, और मुझे इसको इस इतने एरिया में प्रेजेंट करना है। जी जी, तो कैसे होगा भाई? ये तो बहुत बड़ा डेटा है, इतने छोटे में कैसे आएगा? बहुत बड़ा डेटा नहीं आएगा, सही बात है। तो बेसिकली हमने हमने गौर किया कि मेरे सामने जो एक्सेल का सीट खुला हुआ है उसमें 26 तो होते हैं सिर्फ। जब यहां पे क्लिक करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो क्यों ना हम इसको भी एक सीट मान ले और एक स्क्रॉल यहां पे लगा दें हम। ठीक है, ये आपने कौन सा लिया दोबारा? वही लिया, वही वही लिया, वही लिया, लिया, वही लिया। अच्छा, वहां से लेके इस ऐसे कर लिया। हाँ, इसको उठा के चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, तीछा ड्रॉ कर लो, अपने ऊपर जैसे मर्जी तैसे ड्रॉ कर सकते। जैसे आपने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया ना, जी आपको ऊपर उल्टा इसमें चाहिए तो इसमें आइए, आप इसको रोटेट कर लीजिए, पेज लेआउट में जाइए। नहीं, इसको रोटेट, इसको रोटेट नहीं कर सकते हो आप। अच्छा जी, हाँ, इसको आपको एक करना ही पड़ेगा। हाँ, इसको ऐसे वापस कर लीजिए, ऐसा कर लिया, वो आपको ऐसा चाहिए था, सेव कीजिए और फिर इसको कर लीजिए। अब इसको यहां से खींच दीजिए। अच्छा, समझ गया समझ गया, ठीक है जी। फिर उसको राइट क्लिक किया मैंने इस पे और फॉर्मल कंट्रोल में बोला। अब मैंने देखा कि मेरा मिनिमम तो एक होगा ही होगा, मैक्सिमम में कितना है? 26 है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 तो ऑर्डर टाइम होगा, मतलब कि 20 तक का नंबर आएगा, सही रहेगा। तो मैंने बोला कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम मैंने बोला 20। जी ठीक है, तो अगर यहाँ पे 20 तो होगा, कर दो ना। हाँ, नहीं, 26 करने पे भी, 26 करने पे भी नीचे 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 26 करने के बाद 6 और बढ़ेगा ना यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा, तो फिर ये नीचे बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि 20 करेंगे तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 21वां होगा, 22वां होगा, 23वां होगा, 26वां होगा। ठीक है, अब इसमें हम वही ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया कॉमा 0। ठीक है, इसमें मैं ए 1 को फ्रीज कर लेता हूं और इसमें एफेक्ट को फ्रीज कर देता हूं। ये दोनों फ्रीज कर दिए? हाँ, एक फ्रीज किया, नहीं दोनों फ्रीज नहीं किया, इसका ए फ्रीज नहीं किया, 1 फ्रीज किया है। अच्छा, जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा ना तो ये जी। हाँ, अब इसमें देखिए मनीष आ रहा है, तो मैंने बोला एफेक्ट प्लस 1, नीतू आ गया जी, एफेक्ट प्लस 2, एफेक्ट प्लस 3, एफेक्ट प्लस 4, एफेक्ट प्लस 5। मतलब कि अगर मैं ऊपर रखा तो यहां पे देखिए सुजीत आया, मनीष, नीतू, कविता, मनी, पुष्पा, दिख गया आपको। जब मैं नीचे क्लिक करूंगा तो फिर मनीष से 6 दिखाएगा, फिर नीतू से 6 दिखाएगा, तो इसमें भी आपको प्लस 1 छोटे से भी दिखा देगा। हाँ, नीचे वाले प्लस 2, अच्छा वो सारा ही आ गया। नहीं, करना पड़ेगा आपको, हर चीज में पढ़ना करना पड़ेगा, या फिर ड्रैग कर दो ना, अब तो ड्रैग कर सकते हो आप। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया।